बीना में BPCL रिफाइनरी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में देश के 10 राज्यों से लगभग 200 खिलाड़ी शामिल हुए। बीना में आयोजित हुए पहले फाइड रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में युवाओं के अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग खिलाड़ियों ने शतरंज खेलकर भागीदारी की। रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा बुंदेलखंड में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए और बुंदेलखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के 10 राज्यों से आए सभी उम्र के खिलाड़ी शामिल हुए। प्रोग्राम ऐसे शतरंज के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ये पहली बार इतने बृहद स्तर पर, लार्ज स्केल पर ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ और इसकी बहुत कुछ सराहना है और BPCL का ये प्रयास जो है बहुत अच्छा है, इसकी हम आगे होते रहने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, ये जो पहल है ये लगभग 5-6 साल से चल रही है BPCL द्वारा, और क्योंकि कार्यक्रम में भी ये चीज़ बोली गई कि बीना एक पिछड़े इलाकों में से आता है बुंदेलखंड के, लेकिन जिस हिसाब से ये कार्यक्रम चला है पिछले 5 साल में, हम लोगों को जिस तरीके की प्रोग्रेस दिखी है बच्चों में, इस तरीके का चेस के प्रति जो रुझान है, चेस क्यों नहीं, आप कुश्ती की बात कर लें और भी जो स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ एक प्रोत्साहन देने की कमी रही है जो BPCL के द्वारा किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि आगे जाके ये सारे बच्चे प्रदेश के साथ साथ देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा नाम ऊंचा करेंगे। बीना एक छोटी सी जगह है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये एक दिन देश के, चाहे वो एथलेटिक्स जगत की बात हो चाहे दूसरे कार्यों की बात हो, बिना अपने आप एक उजाला के रूप में चमकेगा और हम लोगों को इस पर गर्व रहेगा। देखिए, स्टेडियम मेरे हिसाब से तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, आप सागर में भी जाएं, भोपाल में भी जाएं, सब तरफ, क्योंकि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी के फिजिकल विकास के साथ साथ मेंटल विकास भी करते हैं। कहते हैं ना कि आप स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, तो ये चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से भी, और हमारा जहाँ पे सहयोग की बात आएगी हम लोग उस पर भी अपने आप को पीछे नहीं रखेंगे और चाहेंगे कि ये युवा अपना जो उनकी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो सही तरीके से देश के हित में इस्तेमाल करें। और स्टेडियम एक तरीके से एक उसकी एक छोटी सी पहल है, और भी चीज़ें हैं करने के लिए, बट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं।